बलरामपुर जेल में बंद होने के बाद भी ज़ेबा ज़हीर का कैंपेन सोशल मीडिया के साथ ही जमीन पर भी खूब चल रहा है। ज़ेबा रिजवान तुलसीपुर विधानसभा में एक प्रत्याशी ऐसी भी हैं जो खुद अपना प्रचार नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो जेल में है। लेकिन ज़ेबा रिजवान का जलवा सोशल मीडिया पर कायम है। एक तरफ जहां बाकी प्रत्याशी अपनी आई टीम बनाकर सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा के समर्थक लगातार वीडियो व गाना बनाकर उनका प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसे पोस्ट देखे जा सकते हैं जिसमें ज़ेबा को बेगुनाह बताकर उनके लिए वोट मांगा जा रहा है। प्रचार करने वाले लोगों में नौजवान ज्यादा हैं। तुलसीपुर से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक कैलाशनाथ शुक्ला को मैदान में उतारा है और जब से उन्होंने ऐलान किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही ज़ेबा ज़हीर से ही मेरी लड़ाई है, इसके बाद से ही यहां का चुनाव दिलचस्प हो गया है। इस बीच पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर की बेटी ज़ेबा रिजवान के समर्थन में सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव के आने से ज़ेबा का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर व उनकी बेटी ज़ेबा रिजवान सपा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही शामिल हुए थे, लेकिन तुलसीपुर विधानसभा से सपा का टिकट मांग रहे सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर, उनकी बेटी ज़ेबा और उनका दामाद नियामत सहित 6 लोगों को चुनाव से ऐन पहले पुलिस ने जेल भेज दिया था। तब से ज़ेबा जेल में है। हालांकि ज़ेबा रिजवान का कहना है कि मैं कुरान उठा सकती हूँ कि मैं इस हत्याकांड में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूं। ज़ेबा का कैंपेन कर रहे उनके वकील चांद एडवोकेट ने अभी हाल में एक सभा में कुरान उठाकर कसम खाई और कहा कि ज़ेबा का पप्पू हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। इस सभा में चांद के साथ कई लोग रोने भी लगे थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि ज़ेबा की सोशल मीडिया पर चल रही ये आंधी क्या वोट में तब्दील होगी और तुलसीपुर के लोग क्या ज़ेबा और उनके लोगों की बातों पर यकीन कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पब्लिक न्यूज टीवी के लिए बलरामपुर से केबी गुप्ता की रिपोर्ट। मामू की तरफ से, ज़ेबा की तरफ से, रमेश की तरफ से जो मुझसे कहा गया था, मैं उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने बारहा इस बात को कहा कि मेरी तरफ से आप कुरान उठा लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा, मैं भी आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।